एक समय की बात है, रामनगर नाम का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। उस शहर में एक शांति मोहल्ला भी था। उस मोहल्ले का नाम शांति मोहल्ला इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ बड़ी ही शांति और आपस में लोगों में बहुत प्यार था। एक दिन की बात है, जब सभी औरतें शीला के घर बैठकर करवा चौथ की बातें कर रही होती हैं। साड़ी तो हम सब ने पिछले हफ्ते ले ली, ज्वेलरी तो सभी के पास है ही, पर अब समस्या है मेकअप की। मेकअप की क्या प्रॉब्लम? बाहर मार्केट में है तो मशहूर ग्लैमर ब्यूटी पार्लर। चलो फिर चलते हैं अभी करवा चौथ की बुकिंग करवाने। बस फिर सभी सहेलियां पार्लर जाती हैं। वहां कुर्सी पर माया बैठी होती है, उसके अलावा पार्लर में कोई भी नहीं होता। हेलो जी, बोलिए जी। वो करवा चौथ आने वाला है तो हमको यहाँ से तैयार होना है, आप हम सब की बुकिंग कर दीजिए। आप सब आ जाना पर एक एक करके, एक वक्त पर मैं एक ही को तैयार करूंगी, और कभी कुछ काम करवाना हो तो मैं रात को ही मिलूंगी। आजकल मैं दिन में थोड़ा बिजी रहती हूँ तो शाम को ही आ पाती हूँ। ठीक है। सब औरतें बड़ी ही खुश हो जाती हैं कि पार्लर फिर से खुल गया है। अगले दिन रात को कमला अपने काम से फ्री होकर बैठी होती है। हाँ, अब तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, तो क्यों ना पार्लर जाकर नेल आर्ट करवा लूँ। चार दिन बाद करवा चौथ है, तब तो टाइम ही नहीं मिलेगा। कविता यही सोचकर पार्लर चली जाती है। माया उसकी बड़ी ही सुंदर नेल आर्ट करती है, जिसे देख कविता बड़ी खुश हो जाती है। जैसे ही कविता पार्लर से बाहर निकलती है, माया एक चुड़ैल में बदल जाती है। अब देखना तेरे साथ क्या होगा, बड़ा शौक है ना सुंदर बनने का। फिर अगले दिन जब कविता सोकर उठती है तो उसके नाखून बहुत लंबे हो चुके होते हैं। कविता ये देखकर एकदम डर जाती है। ये कैसे हो सकता है, रात तक तो ये बिल्कुल छोटे छोटे थे। कविता जल्दी से नेल कटर लाती है और अपने नेल्स काटने लगती है। जैसे ही कविता अपना पहला नाखून काटती है, उसे बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी खाल काट रही हो। कविता के सारे नेल्स ऐसे ही दर्द करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें काट ही नहीं पाती। अब कविता घर में छुपकर बैठ जाती है ताकि कोई उसका मजाक न बनाए। अब अगले दिन उसी की तरह सविता अपने वैक्स करवाने पार्लर पहुंच जाती है। माया उसके बड़े अच्छे से वैक्स करती है। सविता भी बड़ी खुश होकर आती है, पर उसके पीछे माया वापस चुड़ैल बन जाती है। वैक्स करवाने का बड़ा शौक है ना। अब तो तेरे साथ ऐसा होगा कि वैक्स से तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। बस फिर सविता जब अगले दिन सोकर उठती है तो उसके हाथ पैरों पर भालू जैसे बाल उग चुके होते हैं। सविता अपने आप को देखकर चिल्लाने लगती है। ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, कल ही तो मैंने वैक्स करवाई है और ये भालू जैसे बाल, अब मैं क्या करूं, बाहर गई तो सब मुझे ऐसी हालत में देख लेंगे। सविता भी शर्म से बाहर नहीं निकलती और घर में छुपकर बैठ जाती है। अब तीसरे दिन पिंकी सोचती है कि क्यों ना मेहंदी लगवा ली जाए। वो भी पार्लर जाती है और माया से मेहंदी लगवा लेती है। मेहंदी लगवा कर वो जैसे ही पार्लर से निकलती है, माया फिर चुड़ैल में बदल जाती है और बहुत हंसती है। ये मेहंदी कल तेरे हाथों में क्या रंग लाएगी, तूने सोचा भी नहीं होगा। अगले दिन जब पिंकी सोकर उठती है तो उसके हाथों में गंदे छाले पड़ चुके होते हैं और उसे भयंकर खुजली होने लगती है। छालों की वजह से वो खुजा भी नहीं पाती और उसी वक्त डॉक्टर के पास भागती है। अब बस करवा चौथ का आखिरी दिन बचा होता है। शीला भी सोचती है कि जाकर फेशियल करवा लिया जाए। अब वो भी पार्लर आ जाती है। हेलो माया, मेरा अच्छा सा फेशियल कर दो जिससे मेरा चेहरा चमक उठे। हाँ हाँ क्यों नहीं। माया शीला का फेशियल करने लगती है। फिर एकदम शीला की नजर सामने जाती है। सामने कोई शीशा ही नहीं होता। अरे पार्लर में एक भी शीशा नहीं है। पार्लर में तो शीशा जरूर होता है। हाँ जी, वो टूट गया था तो मैंने बनने दे रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है। माया अब शीला का फेशियल करने लगती है। फेशियल के बाद अब शीला को अपना चेहरा देखना होता है। कोई छोटा शीशा हो तो वही दे दो, मुझे शक्ल देखनी है। देखो मैं अब बहुत थक गई हूँ, मुझे भी घर जाना है तो घर जाकर देखना अपनी शक्ल। शीला को माया का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो फिर बहाने से माया से एक गिलास पानी मांगती है। माया अंदर पानी लेने जाती है तो शीला फोन का कैमरा खोल लेती है और अपनी शक्ल देखने लगती है। उसके बाद वो अपनी दो तीन सेल्फी भी ले लेती है। मेरा चेहरा तो सच में चमक गया, चलो अब मैं कल आऊंगी। ठीक। शीला अपने घर आ जाती है और माया चुड़ैल में बदल जाती है। अब आएगा मजा जब तेरी शक्ल कल देखने लायक ही नहीं होगी। शीला घर जाकर आराम से फोन में अपनी खींची हुई सेल्फी देखने लगती है। शीला को उन फोटो में अपने पीछे कुछ अजीब सा दिखता है।
शीला फोटो को जूम करके देखती है तो फोटो में उसके पीछे एक भयानक शक्ल की चुड़ैल पानी का गिलास लेकर खड़ी होती है। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? पार्लर में तो मेरे सिवा कोई भी नहीं था, फिर ये चुड़ैल वो भी पानी का गिलास लेकर। ओ, अब समझी। पानी का गिलास तो मेरे लिए माया लाई थी। ये सब क्या चक्कर है? मतलब माया कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है। हे भगवान, अब मैं समझी कि उसका पार्लर रात को ही क्यों खुलता है। मुझे अभी के अभी सविता, कविता और पिंकी को ये दिखाना होगा। शीला उसी वक्त तीनों को फोन करके सबको बुलाती है। सब आने में आनाकानी करते हैं, पर शीला की घबराहट देखते हुए सबको उसके घर आना ही पड़ता है। शीला कविता के डरावने चुड़ैल जैसे लंबे नाखून, सविता के शरीर पर भालू जैसे बाल और पिंकी के हाथों में छाले देख घबरा जाती है। बाकी सब भी एक दूसरे को देखकर सबसे पूछने लगते हैं तो पता चलता है कि ये सब उसी पार्लर में जाने से हुआ है। यही बात तो तुम सबको बताने के लिए मैंने यहाँ बुलाया है। ये देखो मेरे फोन में फोटो, मैं भी उस पार्लर में गई थी। मैंने वहाँ अपना फेशियल करवाया पर शक्ल देखने के लिए वहाँ शीशा ही नहीं था, तो मैंने फोन में शक्ल देखी और लगे हाथ दो तीन सेल्फी भी ले ली। फिर जब घर आकर मैं अपनी सेल्फी देखने लगी तो मुझे उसमें अपने पीछे ये चुड़ैल दिखी। मैंने तो माया से पानी मंगवाया था और मेरे पीछे उस वक्त माया ही खड़ी थी, तो बताओ ये चुड़ैल कैसे बन गई? मतलब माया एक चुड़ैल है। चुड़ैल का असली रूप शीशे में दिख जाता है, इसलिए उसने अपने पार्लर में शीशा ही नहीं लगा रखा और वो तभी रात को पार्लर खोलती है। अब हम क्या करेंगे? उस चुड़ैल ने हमारी ये हालत कर दी है। क्या मैं जिंदगी भर इन भालू जैसे बालों के साथ रहूंगी? नहीं नहीं, हम जरूर कुछ करेंगे। एक काम करते हैं, हम माया के घर जाते हैं। आखिर माया को भी तो पता चले कि उसके पार्लर में उसकी जगह कोई चुड़ैल बैठी है। मुझे उसका घर पता है। बस फिर चारों उसके घर जाते हैं तो वहाँ उनको माया की माँ मिलती है, जिनसे पता चलता है कि माया तो 2 महीने पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। मतलब वो चुड़ैल माया ही है? हम तो ये सोच रहे थे कि वो माया का भेस बदल कर वहाँ पार्लर चला रही है, पर ऐसा क्यों कर रही है? वो तो बहुत अच्छी थी। माया की माँ कुछ समझ नहीं पाती। फिर सब अपना हाल उसे बताती है और बताती है कि माया एक चुड़ैल बनकर अपना पार्लर खोलकर बैठी है और उसी ने उनका ये हाल कर दिया है। मुझे ये सब नहीं पता बेटी। हाँ, पर उसकी शादी थी इसलिए उसने कुछ दिन के लिए पार्लर बंद रखा था। शादी के अगले ही दिन जब दोनों पति पत्नी घूमने जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उसका पति मर गया। बेचारी बड़ी दुखी थी, पर उसको सजने सवरने का बड़ा शौक था। खुद को ऐसे शीशे में देखती तो बहुत रोती थी। उसके ससुराल वाले उसे मनहूस बोलते थे। थोड़े दिन में तो वो ऐसी हो गई कि किसी को सजे सवरे देखती तो उससे चिढ़ने लगती थी, अपनी बहन से ही चिढ़ने लगी। फिर एक दिन दुखी होकर उसने आत्महत्या ही कर ली और तब से वो पार्लर बंद पड़ा है। हे भगवान, अब हम कैसे ठीक होंगे? और वो चुड़ैल तो सबको हमारे जैसा बना देगी जो भी उसके पास जाएगा। हमें कुछ करना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी की वजह से किसी को ये सब झेलना पड़े। मैं जाऊंगी उसके पास और मैं करूंगी उसका अंत। फिर उसी रात माया की माँ पार्लर पहुँच जाती है। मुझे सब पता चल चुका है कि तू माया है, इसलिए मुझसे अपना असली रूप छुपाने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही माया अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। क्यों आई हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ? पहले तू इन सबको ठीक कर। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू अपना गुस्सा हर सुहागिन पर उतार रही है? अभी के अभी खत्म कर ये सब। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। सही बोलते थे तेरे ससुराल वाले। तू है ही ऐसी कि सबका बुरा करती है, और जब ये बात मैं उनको बताऊंगी कि तू मरने के बाद क्या कर रही है तो और कोसेंगे तुझे। मैंने अपने पति को नहीं मारा था। लेकिन अभी तो तू लोगों को मौत जैसी सजा ही दे रही है ना, वो भी बिना वजह। जैसे तू ये सब नहीं झेल पाई और आत्महत्या कर ली, वैसे ये सब भी कर सकती है ना। जब इनका लोग मजाक बनाएंगे तब तू ही होगी इनकी मौत की जिम्मेदार, जैसे अपने पति की है। नहीं नहीं नहीं, मत बोलो ऐसा मुझे। बोलूंगी, हमेशा बोलूंगी, सबको चीख चीख कर बताऊंगी। नहीं नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जीते जी मैंने यही सब सहा है। मुझे मरने के बाद भी सुकून नहीं मिल पाया, तो अब तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। चुड़ैल फिर सब कुछ ठीक कर देती है। पिंकी, शीला, सविता और कविता सब पहले जैसी हो जाती हैं। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वो पार्लर जिंदगी भर बंद ही रहता है। शीला अपने घर आ जाती है और माया चुड़ैल में बदल जाती है।